हेलो व्यूवर, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे पापा की मृत्यु अभी 3-4 महीने ही हुए थे। एक दिन मम्मी मुझे बाजार ले गई और मेरे लिए पैंट शर्ट लेने लगी। मेरी उम्र 18 साल थी और मैंने ज़िंदगी में कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी थी, क्योंकि हम गांव में रहा करते थे। ऐसे कपड़े वहां लड़कियों को नहीं पहनाया जाता। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे पैंट शर्ट अच्छी ही नहीं लगती थी। पर मुझे मम्मी कहती कि बेटी, अब मैं बहुत मजबूर हूँ, अब हमारा कमाने वाला कोई नहीं रहा, ये सब तुमसे बहुत मजबूरी में करवा रही हूँ, और देखो ये बात किसी को मत बताना, बस हम दोनों में ये राज होनी चाहिए, अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं तेरी जान ले लूँगी। फिर मम्मी ने मुझे उस काम पर लगा दिया। मैं ये सब करना तो नहीं चाहती थी, मगर मम्मी की वजह से चुप करके करती रही। मुझे बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था, मगर मैं सब्र करती। इस बात को कई दिन गुजर गए थे, मम्मी मुझे एक दुकान पर छोड़ आती। वह दुकानदार मुझे अंदर बने एक छोटे से कमरे में ले जाता और कुछ देर बाद मुझे एक टब पकड़ा देता और साथ में 1,000 रुपये का नोट दे देता और मैं घर आ जाती। मम्मी मुझे ये रोज़ रोज़ टब नहीं उठाया जाता, सब अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने आज मम्मी को फैसला सुना दिया था। मैं जवान लड़की थी, रोज़ रोज़ मेरा दुकान पर जाने से सब गलत समझते थे और अजीब अजीब नज़रों से देखते थे, और मैं पैंट शर्ट पहन कर तो और भी अजीब सी लगती थी। तुझे कब से फिक्र हो गई लोगों की, के लोग क्या सोचते हैं, मम्मी ने परेशानी से कहा तो मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। अब मम्मी क्यों इतनी नासमझ हो गई थी। मम्मी अच्छी तरह जानती थी कि मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते थे और वे लोग मदद के लिए आगे बढ़ते थे। जबकि पापा जिंदा थे और बीमार थे, तब तो मम्मी मुझे घर से बाहर भी कदम नहीं रखने देती थी। कहती थी कि अच्छी लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती हैं और खुद बाहर चक्कर पे चक्कर काटती थी। जब से मेरे पापा की मृत्यु हुई है, मम्मी के तो तेवर तरीके ही बदल गए थे। अब मम्मी हर काम के लिए मुझे बाहर भेजती थी। मम्मी तुम ही तो कहती थी कि लड़कियों का बाहर जाना अच्छा नहीं है, और जब से पापा की मृत्यु हो चुकी है, बाप का साया सर से उठने के बाद बेटी का यूं बाहर बेफिक्री घूमना खतरनाक है। मैं बोली तो मम्मी ने घूरते हुए सर पर एक चांटा जड़ दिया और बोली, तुझे इतनी बनने की ज़रूरत नहीं है। किसने बोला है घूमने को, मैं घूमने को नहीं भेजती, बल्कि परचून वाली दुकान से एक डिब्बा ही तो लाने को भेजती हूँ। वह बोली तो मैंने गुस्से से उन्हें घूरा था, मम्मी तुम खुद जाकर ले आया करो। इतना जवाब देना था कि मेरी मम्मी ने तो चप्पल ही उठा ली। दफा हो जा यहाँ से, और ये बात तूने किसी को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मम्मी चिल्लाई तो मैंने जुबान दांतों तले दबाया। ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। मम्मी मुझे पहले भी इस बात का जवाब दे के वह दुकान वाला मुफ्त में 1,000 का नोट क्यों देता है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जब मम्मी गुस्से से चिल्लाई, मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतना ही कर जाओ, यहाँ से और दुकान पर जाओ, जल्दी से पैंट शर्ट पहनो, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। माँ की यूँ चिल्लाने पर मैं ड्रेस चेंज करने लगी और एक अफसोस भरी निगाह मम्मी के ऊपर डालकर घर से निकल गई। बाहर चिलबिलाती धूप से चलकर गली को देखा तो गली पूरी सुनसान पड़ी थी। वैसे भी इतनी धूप में कौन बाहर निकलता था। ये तो मम्मी का ही दिमाग ख़राब था कि हर दिन दोपहर में मुझे दुकान पर भेजती थी। मैंने सोचा मैं वापस घर चली जाऊं, मम्मी को कहूंगी कि मैं शाम को दुकान पर चली जाऊंगी, पर मैं मम्मी का गुस्से का सोचकर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अभी थोड़ी ही दूर चल पाई थी कि मुझे अपने पीछे पुनीत की आवाज़ सुनाई दी। मैं पलट कर उसे देखा तो वह सामने पड़ोस का लड़का खड़ा था। तुम फिर मेरा पीछा कर रहे हो, मैं गुस्से से घुर्राई और लड़का एकदम घबरा गया। आप कहाँ जा रही हो, उसने उल्टा मुझे सवाल किया। उसके सवाल पर मेरा दिमाग घूम गया था। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, मेरा बस चलता तो मैं उसका सर तोड़ देती। देखो मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूँ, इसलिए वह अपनी पूरी बात भी बोल नहीं पाया था। जब मैंने हाथ उठाकर उसे इशारे से रोक दिया, खबरदार जो कोई बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी, शर्म ही नहीं है। वह लड़का
तेजी से अपना सर हिलाने लगा। आप मुझे गलत समझ रही हैं, जैसा आपको दिख रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी गलत वजह से आपके पीछे नहीं आता, बल्कि आप जो काम कर रही हो वो बहुत गलत है। आप अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने एक बार फिर से उसकी बात काट दी। उस बात से अनजान के जो राज मुझे बताने चाहता था वह मेरी ज़िंदगी के लिए इस कदर ज़रूरी था, उस बात का अंदाज़ा मुझे हरगिज नहीं था। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। अगर आइंदा बात करने की बहाने मेरे पीछे आया, मुझे परेशान किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, गुस्से से कहती मैं आगे बढ़ गई। आज दुकान पर पहुंची तो एक नया इम्तिहान मेरे सामने खड़ा था कि इतनी धूप में भी उसकी दुकान पर ग्राहक खड़े थे। लेकिन मुझे मालूम था वह पहले मुझे अंदर ले जाएगा। दुकान पर गई और पीछे से आवाज़ लगाई, चचा पहले मेरा काम कर दो। मेरा कहना था कि दुकान पर खड़ी औरत मुझे देखने लगी और दुकान वाले चचा का रंग उड़ गया। दुकान पर खड़ी औरत मुझे घूरने लगी, ऐसे क्या देख रहे हैं। चचा एकदम हंसे, अरे सब्र करो लड़की, पहले दूसरे ग्राहकों को तो निपटा लूँ, फिर तुम्हारा काम भी कर देता हूँ। जबकि उनके हाथ में इतनी बड़ी लिस्ट देख कर मैं भी थक गई थी। चचा उनकी तो पूरी लिस्ट है, आप पहले मुझे निपटा लेते तो अच्छा होता, मैं इतनी धूप में खड़ी नहीं हो सकती। मैं फिर बोली, चचा की रंगत उड़ने लगी थी और मैं हैरान थी कि अचानक उनको क्या हो रहा है। जब चचा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और उस औरत से बातें करने लगे, दीदी सिर्फ मुझे 2 मिनट दो, पहले मैं इस लड़की को निपटा लूँ, ये बोलकर मुझे अंदर ले गए और आज मुझे बैठने को भी नहीं कहा और बस वे टब उठाकर दे दिया। मैं वहाँ से पलटने लगी थी जब वह औरत गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं जाते जाते पलटी और चचा को देखने लगी, फिर एक बार नज़र झुकाकर उस डब्बे को देखा जिसमें कुछ होता था, मगर मुझे देखने की इजाज़त नहीं थी। अरे दीदी, वह अनाथ बच्ची है, धूप में कहाँ खड़ी रहती। बस भैया ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं समझ गई, अच्छा नहीं होगा। लाओ सामान की लिस्ट, मैं दूसरी दुकान से ले लूँगी। औरत चिढ़ते हुए मेरे बराबर से निकल गई, जबकि दुकान वाले चचा मुझे गुस्से की नज़र से घूर रहे थे। मैं भी अपने कंधे उचकाते हुए दुकान से निकल गई। अभी घर के अंदर घुसी नहीं थी कि अचानक मम्मी ने मुझसे टब छीन लिया। अब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसमें कुछ है जो हिला था। मुझसे टब लेकर अपने कमरे में बंद हो गई। सुन होकर वहीं पर मैं खड़ी रह गई। मैंने आगे बढ़ते मम्मी के कमरे का दरवाज़ा बजाया, मम्मी दरवाज़ा खोलो। मुझे न जाने क्यों बहुत अजीब लगता था, लेकिन फिर भी मैं खुद वहाँ शक के बिना पर खड़ी थी। चुप रहो और तंग मत किया करो मुझे, जाओ यहाँ से, किचन में खाना रखा है खा लो जाकर। कुछ देर मम्मी के कमरे के बंद दरवाजे को देखने के बाद मैं किचन में गई। वहाँ ताज़ा रोटी और मछलियाँ रखी हुई थी। वह देखकर मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि जब से परचून वाले की दुकान का डब्बा और पैसे भिजवाने से शुरू कर दिए थे तब से घर में अय्याशियाँ शुरू हो गई थी। मैं खाना खाकर छूटी तो रात होने को थी, पर मम्मी अभी तक कमरे में बंद थी। मैंने एक दो बार कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, शायद वह सो चुकी थी। मैं भी अपने कमरे में चली गई। न जाने क्यों आज दिल बहुत परेशान हो रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी मुझे उस लड़के का ख्याल आया जो रोज़ मेरे पीछे आता था। गुस्से से सर अपना झटकते हुए मैंने आंखों पर बाजू रख लिया था, लेकिन मेरा दिल बहुत अजीब मुश्किलों से घिरा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे कुछ है जो बहुत गलत है और मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रही हूँ। वैसे ही बिस्तर पर लेटी करवटें बदलने लगी। नींद मुझ पर कम मेहरबान हो गई और मैं सो गई। अचानक मुझे खटपट की आवाज़ सुनाई दी। घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बिस्तर से उठकर खड़ी हुई बाहर निकली तो आवाज़ किचन से आ रही थी, यानी मम्मी अब कमरे से बाहर निकली थी। मैं जल्दी से मम्मी के कमरे में गई और टब ढूंढने लगी, लेकिन वे मुझे कमरे में कहीं ना मिला। कुछ सोचते ही मैं बेड के नीचे तो बहुत से टब पड़े थे, हैरान थी कि मम्मी मुझे ये टब क्यों मंगवाती हैं और रोज़ रोज़ मुझे
पैंट शर्ट पहनकर भेजने के पीछे क्या राज था, यही सोच रही थी कि मुझे लगा कि वही दुकानदार मम्मी के साथ दूसरे कमरे में मौजूद है। मुझे खुद से शर्म आने लगी, मम्मी किन कामों में पड़ गई थी। मैं एक घंटा उनकी बातें सुनती रही मगर उनका मतलब ना समझ सकी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद मम्मी दरवाजे पर खड़ी खून खार नज़रों से मुझे देख रही थी। क्या कर रही हो यहाँ? उनका पूछने का अंदाज बहुत अजीब था। कुछ नहीं, बस वैसे आपके कमरे में आ गई। दोपहर में दुकान पर क्या तमाशा लगाया था तुमने? मैं कमरे से निकलने ही लगी थी कि जब वह एकदम पूछने लगी, कुछ भी तो नहीं किया, दुकान वाला तुम्हारा इतना ख्याल रखता है और तुमसे थोड़ा इंतजार नहीं होता? मम्मी का गुस्से से पूछना था क्या, मेरा भी दिमाग घूम गया। एक ही बात तो मुझे परेशान कर रही थी और मम्मी ने फिर खुद सवाल का मौका दे दिया था। क्यों देते हो वो टब मुझे? क्यों करते हैं इतनी मेहरबानियाँ? क्यों मुझे अंदर ले जाकर बैठा देते हैं और फिर पैसे भी वे रोज़ क्यों देते हैं? चीख पड़ी थी। मुझे अपनी मम्मी के करैक्टर पर यकीन था लेकिन ये डर भी था कि ऐसी बातें ज़्यादा वक्त छुपती नहीं हैं। अगर ये बात मोहल्ले में फैल जाती तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मेरे चीखने पर मम्मी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। तुम्हारे बाप के मरने के बाद मुझे मजबूर होकर ये सब करना पड़ रहा है, मम्मी बोल पड़ी। मम्मी बोल रही थी जब ही मैंने उनकी बात काट दी। मम्मी, आज के टाइम से कोई इंसान इतना अच्छा नहीं होता कि वह अपने बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरों की फिक्र करे। उसको खुद को इतनी बचत नहीं होती जितनी वह यहाँ भिजवा देता है। क्यों? मुझे आज ही जवाब चाहिए ताकि कल जमाना जब मुझसे ये सवाल पूछे तो उनको देने के लिए मेरे पास जवाब हो। मेरा कहना था कि मम्मी का हाथ उठ गया। मैं अपने गाल पर हाथ रख कर मम्मी को देखने लगी जब उन्होंने बाजू पकड़ते हुए मुझे बाहर की तरफ खींचा और अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं है। कोई सवाल का हक नहीं रखती तू और ना ही मैं तुझे कोई जवाब दूंगी। मैं हक्का बक्का सी होकर मम्मी को देख रही थी जब वह मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मैं उनके दरवाजे के बाहर खड़ी पत्थर हो गई, फूट फूट कर रोई, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात देर तक रोती रोती आंख लग गई। अगले दिन घर में मम्मी भी चुप थी और मैं भी, हम दोनों बिल्कुल ही चुप थे। मैं गुमान कर रही थी कि शायद मेरी मम्मी कल की बातों की वजह से टब और हजार के नोट वाला सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ताजुब हुआ जब वह दोपहर में मम्मी वापस मेरे कमरे में आई। 3 बज गए, जाकर कपड़े चेंज कर और दुकान पर चली जा। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं बिना कुछ कहे अफसोस से खड़ी हो गई, पैंट शर्ट पहनकर घर से बाहर निकली। आज मेरे चलने की रफ्तार थोड़ी धीरे थी। हजार सोचे मेरे दिमाग में घूम रही थी और कई सवाल मेरे दिमाग में सर उठा रहे थे पर जवाब एक भी नहीं था। फिर उस टब में ऐसा क्या था? मुझे पहले तो शक नहीं हुआ था। हाँ, ये सवाल दिल में जरूर उठता था कि आखिर क्यों इतनी मदद करता है, पर उस टब पर कभी शक नहीं किया था। लेकिन अब मुझे यकीन था उस टब में जरूर कोई गलत चीज़ थी। अभी मैं चल ही रही थी कि जब मुझे फिर अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं गुस्से से आँखें भींच गई, गुस्से की लहर मुझे बदन में दौड़ गई। पीछे मुड़ी तो बिना किसी लिहाज के खरी खूटी सुना दी, रोज़ रोज़ मेरा पीछा करते हो, क्या समझते हो अपने आप को? बाप मर गया तो जिसका जी चाहे मुंह उठाकर मुझे इस तरह छेड़ता रहेगा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रोज़ रोज़ मेरे पीछे आते क्यों हो? क्या चाहते हो कि मोहल्ले के लोगों को जमा करके तुम्हें जूतियाँ पड़वाऊँ? मेरे बोलने के बीच में ही बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने बोलने का मौका नहीं दिया। अगर आइंदा मेरा पीछा किया तो मैं बताऊंगी, ये बोलकर पलटी। लेकिन उसकी अगली बात ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी। वह बोला, जिंदा रहोगी तो बताओगी ना? मैंने डर छुपाते हुए पीछे मुड़कर उसे देखा तो मुझे मारने की धमकी दे रही हो, मैं बोली तो अब की बार उसका जवाब चौंका देने वाला था। तुम्हारी माँ का रवैया तुम्हें अब तक कुछ अजीब नहीं लगा? क्या तुमने कुछ गलत नहीं देखा या फिर तुम भी उन सब में शामिल हो? उसका पूछना था कि मेरे शब्द ही गुम हो गए और मैं वाकई डर गई, यानी बाकी सब भी
मेरी तरह महसूस करने लगे थे या फिर सब जान चुके थे, मैं ना समझ सकी। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा पूछना था कि उसके अगले सवाल ने मानो रही सही हिम्मत भी खींच दी। रोज तुम टब लेकर जाती हो, जानती हो उसमें क्या होता है? उसका सवाल अजीब जरूर था पर सच भी था। ये सब मुझे भी बहुत अजीब लगता था। उस टब में घर का सामान होता है, मैंने नॉर्मल शब्द में जवाब दिया तो उसने ना में सर हिलाया। उस टब में सामान नहीं बल्कि सोचने के बाद जो उसने बताया, मुझे ऐसे लगता था मैं अभी गिर के मर जाऊंगी। मैंने यकीन से फूटी फूटी आंखों के साथ उसे देखा। मेरा दिल एकदम से डर के मारे लड़खड़ाने लगा। उसकी बात मामूली नहीं थी, तुम पर सब झूठ कह रहे हो। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरा कहना था कि वह थोड़ा करीब हुआ और फिर एक एक करके मुझे सारी बात बताने लगा। मैं ना में सर हिलाती रही और सुनती गई। फिर भरी दोपहर में जो राज मुझ पर फांस हो रहे थे वे जान निकालने को काफ़ी थे। मुझे अंदाज़ा था कि तुम्हें ये सब मालूम नहीं होगा, यही बताने के लिए तो मैं रोज़ तुम्हारे पीछे आता था। अब कि वह लड़का गुस्से से बोला, मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रहे हो? मेरी माँ अपनी जान दे सकती है मगर उस तरह का कोई घटिया काम नहीं कर सकती। मेरा ये कहना था कि वह एकदम हंसा, तो ठीक है अभी तुम वही टब लेने जा रही हो ना, तो खुद ही खोल कर देख लेना। वह बोल कर जा चुका था। मेरे कदम अब लड़खड़ा रहे थे। मैं शक के कदमों से दुकान पर गई। आज दुकान वाले चाचा मुझे अंदर ले गए और शैतानी नज़रों से मुझे देखने लगे। वे अपनी नखूसत भरी नज़रों से मुझे देखते थे। मुझे लगा जैसे वह लड़का बिल्कुल सच कह रहा था। मैंने वह टब लिए और चुप से वापस वहाँ से निकल आई। मेरी जान निकलने लगी थी। मैं खोल कर देखना चाह रही थी पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब बड़ा दिल करके हिम्मत से मैंने वह टब कांपते हाथों से एक चबूतरे पर रखा और उसमें एक छोटा सा सुराख करके अंदर झांका, तो मेरी जान निकलने लगी। मुझे लगा कि अभी मर जाऊंगी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। मेरा दिल और दिमाग सुन हो चुका था। एकदम चिल्लाने की हिम्मत न थी लेकिन मुझे कदम आगे बढ़ाने थे। मैं टब ले लिए घर आ गई और घर में जैसे ही कदम रखा तो मुझे लगा कि मम्मी सच जान जाएगी। मैं सच जान गई हूँ लेकिन वह उस वक्त जल्दी में थी। उन्होंने मेरा खौफ पसीने से सराबोर चेहरा भी न देखा, बस हाथ से टब लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं भी कांपती टांगों से अपने कमरे में चली गई। जानती थी कि अब मम्मी रात से पहले कमरे से नहीं निकलेंगी, इसलिए मैं रोने लगी। जब रोते रोते दिल हल्का हुआ तो मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। ना भूख लगी थी ना प्यास, मेरा तो सांस लेने का दिल भी नहीं कर रहा था। तभी सोने का फैसला किया कि मुझे उस वक्त जगाना था जब मम्मी मेरे सोने का फ़ायदा उठाती थी, लेकिन ये भी सिर्फ कोशिश थी। दूसरे कमरे का मंजर सोचकर जान जा रही थी। वक्त बहुत तेज़ी से कटा और रात को 2 बज गए। मैं बिस्तर पर लेटी रही मम्मी के इंतज़ार में। मुझे आज उस लड़के ने ये भी बोला था कि ख्याल रखना कि तुम्हारी मम्मी को शक ना हो जाए, तुम सब जान गई हो क्योंकि मैं वह जानती हूँ जो तुम नहीं जानती। उस वक्त मैं पूछना चाहती थी वह और क्या क्या जानता है लेकिन ना पूछ सकी क्योंकि जितना सुना था वही जानलेवा था, ज़्यादा सुनने की हिम्मत नहीं थी। 1 घंटा गुजरा तो पूरी रात 1:45 बज चुके थे। मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह सीधे कमरे में आई और करीब से आकर मुझे देखा। मैंने उस लम्हे आंखें बंद करके सांस तक रोके जब माँ ने मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद किया और मम्मी के जाने के बाद कमरे से अपनी आंखें खोली। मैं फौरन उठ खड़ी हुई, आहिस्ता से कमरे की खिड़की खोलकर देखा तो मम्मी के हाथ में कुछ लिए बाहर की तरफ भाग रही थी। मैं जानती थी कि उसके हाथ में क्या है। मैं तेज़ी से उनके पीछे गई और छुप कर देखना चाहा तो घर के बाहर इतनी रात को वही परचून वाला खड़ा था। अब कुछ साफ था, सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी और मैं अब भी एक सच्चाई से अनजान थी जो शायद इस तरह की खतरनाक थी। मैं वापस कमरे में आई। मेरा दिल और पसलियां तोड़कर बाहर निकल रहा था। मुझे सिर्फ अब सुबह होने का इंतजार था। सारी रात आँखों में कटी। अगले दिन भी मेरी मम्मी से मेरी बात न हुई। जब मम्मी ने वापस मुझे
3 बजे वह टब लेने भेजा। मैंने वह टब मम्मी को दे दिया। जैसे लेते ही मम्मी कमरे में चली गई और मैं ही आंगन में बैठ गई। अचानक दरवाजा जोर से बजने लगा। खोला तो देखा बाहर पुलिस खड़ी थी, उसके साथ पुलिस वाली औरतें भी थी। वे लोग तेजी से अंदर गए और मम्मी का दरवाज़ा बजाते रहे जब तक मम्मी ने दरवाज़ा ना खोला। लेकिन जैसे ही मम्मी ने दरवाज़ा खोला उनके होश उड़ गए। पुलिस जल्दी से अंदर आ गई और छोटा सा बच्चा उठाकर ले आई। वह दुकानदार मम्मी को थोड़ी देर के लिए बच्चे संभालने को देता था, बदले में मम्मी को खाना और रोज का 1000 रुपये भी देता था। शायद मम्मी का जमीर मर गया था इसलिए वैसा कर रही थी। और फिर रात के अंधेरे में वह बच्चा ले जाता। बच्चे अगवा करने वाले गैंग से वास्ता रखती थी और अब मेरी माँ भी उसका हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने मम्मी को पकड़ा उन्होंने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया और कहा कि मैं तो उस बच्चे को इससे बचाकर अपने कमरे में ले गई थी, यही बच्चे अगवा करके लाई थी। मम्मी की शक्ल देखती रह गई। वह रोते हुए जिस कदर सफाई से झूठ बोल रही थी मुमकिन था कि पुलिस वाले यकीन कर लेते अगर मैंने खुद उन्हें फ़ोन करके ना बुलाया होता। अब माँ की सारी झूठ पकड़ी गई थी। मैं माँ से रोते हुए पूछने लगी। वह मुझ पर चीख पड़ी और बोली, खबरदार जो मुझे माँ कहा तो तू पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी। मेरे सर पर तो आसमान ही टूट पड़ा कि जिसको माँ समझती थी वो मेरी माँ थी ही नहीं, उनके अंदर ममता थी ही नहीं। मैं रोती हुई वहीं गिर पड़ी थी। पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ले गए थे और मेरी मदद की वजह से बच्चा अगवा करने वाला पूरा गैंग पकड़ा गया था। इस बात को अब 1 साल हो गया। मेरी सौतेली माँ को लंबी सजा हुई थी। मेरे बाप की नज़र में अच्छा रहने के लिए उनका अब तक का सब ड्रामा था जो उन्होंने मेरे बचपन से जवानी तक किया। अब मेरी शादी हो चुकी है उसी लड़के के साथ जिसने मुझे सच्चाई बताई। मेरे लाख पूछने के बाद भी जो उसने ये बात नहीं बताई कि उसे राज कैसे पता चला। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ मगर उस राज को जानना था मुझे। ये थी मेरी इमोशनल कहानी। कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।